तो हेलो दोस्तों, तो मोटे रह रखी है कोर न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम अपनी एक्टिव स्कूटी के साथ वापस। तो थोड़ा सा ये हाईवे है तो थोड़ी सी नॉइस है, तो उसको साइड में रखना है फिर कुछ। तो आज अब अपनी स्कूटी चल चुकी है 10,437 किलोमीटर, लगभग 40 लगा लो, 10,500 किलोमीटर चल चुकी है। और इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं अभी से ही, और अभी इसकी फोर्थ सर्विस पेंडिंग है, वो भी लगभग अभी होएगी, लगभग 10,000-11,000 रुपये ही होनी है वो भी, तो वो भी कराएंगे। और इसमें कुछ जो है, ये एक बारी मेरे से थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो उसमें कुछ डैमेजेस आए हैं इसमें, जैसे पीछे मेरी बैक लाइट यहाँ से डैमेज हो गई, यहाँ से छोटा सा पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी, तो साइड का ये और कुछ डेंट है और कुछ क्रैचेस है, वो भी करवाने ठीक। और जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, वो जैसे इसका फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ हो चुका है, आई थिंक ये चेंज ही होगा, मैंने कर रखी है उनसे बात, बस ये पार्ट अवेलेबल के लिए रुका हुआ था, इतने कि पार्ट आते ही जैसे वैसे ही मैं वहाँ पे खड़ी कराऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये अभी नया ही बना है, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, बस थोड़ा बहुत एक आधे ट्रक आते जाते रहते हैं। फ्रंट सस्पेंशन इसका चेंज होना, और जो इसकी फ्रंट ब्रेक की केबल है ना वो ख़राब हो गया, फ्रंट ब्रेक के जो लीवर है काफ़ी हार्ड हो गया है और लगता नहीं है बिल्कुल भी, और ब्रेकिंग इसकी बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, और कुछ भी मज़ा नहीं आता अब चलाने में इसका। पिछला मैंने ब्रेक पैड तो थोड़े दिन पहले चेंज करा दिया था, उसकी वीडियो अभी आ ही जाएगी, मैंने शायद अभी अपलोड नहीं करी है, इसके बाद कर देता हूँ अपलोड उसे। और ये इसमें अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट नहीं होती, जैसे अभी मेरे पास एक बारी मैं चाबी लगा के आपको दिखा देता हूँ, आज कई बार मेरे को इससे किक से स्टार्ट करनी पड़ी, और किक से स्टार्ट करने के बाद भी जैसे ब्रेक दबा कर रहा हूँ तो नहीं हो रही स्टार्ट, जैसे अब तो हो गई पर कई बार नहीं होती, और किक मार के करनी पड़ती है स्टार्ट ये। और अब कुछ हमने ये कैमरे में भी अपग्रेड कर लिया है, जैसे आप अभी देखोगे, और जो भी जैसे मेरे को इसका इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा तो उसके भी मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि क्या क्या करना पड़ता है इंश्योरेंस क्लेम अगर करते हैं तो। कुछ ऐसे अभी इसकी लुक है अपनी स्कूटी की, स्क्रैचेस तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत, वो एक बार मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मारी थी, फिर ये स्कूटी गिर गई थी, जैसे पिछली लाइट ब्रेक हो गई थी, और यहाँ पे कुछ डेंट हैं, साइड में थोड़े स्क्रैचेस हैं जो कई बार मेरे से साइड से लगी थी बस। और ये बंद कर देते, क्यों बैटरी ख़राब करे, और देखते हैं बैटरी का इशू है या और किसी चीज़ का इशू है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और बाकी अब रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, और जो भी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में कोई भी नॉलेज होगी मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।